because we have already faced so many problems to implement the 7th CPC. Therefore, this topic has been selected by me. The Government of India, by its notification dated 25th July 2016, इसमें थोड़ा मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि इस पर सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, हम भी सभी लोग, चूँकि हम लोग सैलरी पेड एम्प्लॉइज हैं, इसलिए ये ज़्यादा मुझे लगता है कि इस पर ध्यान दे दीजिए सभी लोग कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया गया, क्या किया गया। पहला, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी का होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का होगा, कॉलेजेस का होगा, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से जिन लोगों का संबंध है, ये विशेषकर उनकी बात बता रहा हूँ कि क्या दिक्कतें आती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25th जुलाई 2016 को गजट करा दिया। कंसर्न यूनिवर्सिटी में ये आया, HRD के थ्रू हम लोग गवर्न होते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के थ्रू। 2nd नवंबर 2017 को नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री HRD ने किया, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को भेजा, क्योंकि फंडिंग एजेंसी इज द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। दैट्स वाई द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड सीओ मोटो इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस। 2 तारीख को निकाला, 2 जुलाई के बाद फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट किए, तो 8 नवंबर को फिर उसने अमेंडमेंट किए, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को भेजा। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने हमको 31 जनवरी 2018 को ये स्कीम हमारे यहाँ भेजी कि इसको लागू कर दीजिए आप। आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ टीचिंग एंड इक्विपमेंट एंड ऑफिसर्स, ठीक है, बाकी नॉन टीचिंग का भी आया था, किया था हमने। लेकिन जब यहाँ पे लागू हुआ तो फरवरी 24 2018 को हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जब सोचे तो उसमें कंडीशन दी हुई थी कि इसको तभी आप अडॉप्ट करेंगे जब तक कि आप इसको अपने कंसर्न बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट या हमारी जो एपेक्स बॉडी होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उससे इसको पास करेंगे, एफसी से पास कराएंगे। ये दिक्कतें होने लगी, फिर हम लोगों ने इसको वहाँ लेके गए, फिर अल्टीमेटली हम लोगों ने इसको 14 मार्च 2018 को इसको अडॉप्ट किया। 16 की स्कीम को 18 में अडॉप्ट कर रहे हैं हम लोग, तो कितना टाइम लगा। ये स्कीम में बहुत से लोगों को अफेक्टेड हैं, अफेक्टेड इन द सेंस ऑफ गुड और बैड बोथ। तो इसको CCSRP रूल 2016 के नाम से इसको कहा गया, इफेक्टिव डेट इसकी 1st जनवरी 2016 थी। इसमें कई नई चीज़ें होती, जैसे पे मैट्रिक्स आया था, पेमेंट होते थे, ग्रेड पे होते थे, AGP होता था, एकेडमिक ग्रेड पे इन द सेंस ऑफ टीचिंग एंड इक्विवेलेंट सेक्शन, तो इसका उन्होंने चेंज कर दिया। मैं अभी आगे बताऊंगा आप तुरंत अपनी स्लाइड में कि क्या क्या चीज़ें इसमें होनी है। तो इसमें पे मैट्रिक्स एक नया वर्ड आया, इसका था कि यहाँ पर कि पे मैट्रिक्स स्पेसिफाइड इन अ पार्ट ए ऑफ शेड्यूल विद लेवल ऑफ पे अरेंज्ड इन वर्टिकल सेल्स। वर्टिकल सेल्स मैं दिखाऊंगा अभी कैसे किया था। फिर दूसरा आया था लेबल का, लेबल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग टू द एग्जिस्टिंग पे बैंड एंड ग्रेड पे और AGP, उसको उसने चेंज कर दिया। इसी तरह से पे इन पे लेबल में था, इसको मैं आगे चाह रहा हूँ। दूसरा आया था कि पे मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, पे मैट्रिक्स क्या होता है, पे मैट्रिक्स सेल बी द पे ऑप्टेंड बाय मल्टीप्लाइंग द एग्जिस्टिंग पे बाय अ फैक्टर ऑफ 2.57। जो हमारी 31st दिसंबर 2015 को जो सैलरी थी, जो लोग बाद में आए उनके लिए अलग था, जो एग्जिस्टिंग थे उनके लिए था, 2.57 से मल्टीप्लाई हो गया। ये देखिए इसमें, ये हमने पे मैट्रिक्स का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था, इनको टोटल इन्होंने 18 भाग में बांट दिया, मिनिमम इन्होंने 18,000 बोला जो हमारे इसमें दिए हुए। पहला हमारा ग्रुप सी का है, अब ग्रुप डी खत्म हो गया। दूसरा हमारा ग्रुप बी है, तीसरा पोर्शन हमारा ग्रुप ए है, ए में भी उन्होंने बांट दिए हैं। एक तो वो कर दिया जो कि पेमेंट 15,600 से 39,100 में था, उसको अलग कर दिया, तो और दूसरा कर दिया 37,400 से 67,000 में, ठीक है। और भी कुछ आ गए हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो सेक्रेटरी लेवल पे हैं, लेकिन हमारे यहाँ यहाँ पे एक और था प्रोफेसर में, 2 किए गए थे जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, मैं इसके बारे में बताता हूँ फिर बाद में। ये मैं एक दिखाना चाहता हूँ कि क्या चेंजेज हुए थे। ये नॉन टीचिंग सेक्टर में बताया था, उस समय हमारे यहाँ जो शेड्यूल्ड ए की बात करते हैं उसमें पार्ट ए पार्ट टू था। सिक्स्थ पे कमीशन में हमारे पास 2 चीज़ें हुई, जो लोग इनकुमबेंट मीन्स जो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट में थे, जिनका एम्प्लॉयमेंट जिनका 1/1/2006 को छठवां वेतन आयोग जो लग रहा था
उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो भाग कर दिया. मेन मेन चीज़ थी, पहला किया उसने कि जो लोग एग्जिस्टिंग हैं उनके लिए अलग टेबल फॉर्म कर दी, जो लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही थे उनके लिए अलग कर दिया. जैसे प्रोफेसर को अगर दिया तो 53,000 रुपये उसका हुआ, 43,000 प्लस 10,000 रुपये हुआ फिक्सेशन. जो एग्जिस्टिंग था उनका 40,000 समथिंग पे हुआ. ये चेंजेज हुए. ऐसे नॉन टीचिंग में बोला कि जो एग्जिस्टिंग है तो इनका, जो अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि IOR एक वर्ड है, इंडेक्स ऑफ रेशनलाइजेशन, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में दिक्कत ना हो. इसका जो है आपका 1800, ये हमारा ग्रुप डी एम्प्लॉय जो ग्रुप सी हो गया है उसकी मैक्सिमम सैलरी जो उसकी होगी, मिनिमम सैलरी 7,000 होगी. अब हम 7,000 को मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो फैक्टर हमारा है उससे हम करेंगे, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ. ये बनाए गए थे, ये जो स्केल दिए हुए हैं ये ग्रुप ए से लेकर के डी तक है, जो एफ्ट वाइल डी था अब सी हो गया. इनको कैसे कैसे आप फिक्स करेंगे, डायरेक्ट रिक्रूटी और प्रमोटी, सेवंथ सी पी से मैं दोनों को बराबर कर दिया. ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ऊपर दिया हुआ पेमेंट 1, पेमेंट 2, पेमेंट 3, पेमेंट 4. इसमें एक एग्जैक्ट दी हुई लिमिट क्या हुआ है कि आपका ग्रेड पे किस में मिलेगा. उसमें उन्होंने पेमेंट दिया कि 5,200 से लेकर के 20,200 एक लिमिट दे दिया. असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर हम जाएंगे तो उसका क्या है, 15,600 से 39,100. ठीक है, ये आ गया. अब इसको कहाँ चेंज करेंगे वो मैं बताऊँगा. और जो लोग हमारे एसोसिएट प्रोफेसर इन अबव, डिप्टी रजिस्ट्रार इन अबव हैं, उनका 37,400 से 67,000 रुपये दे दिया. इसको हम आप आगे बताएंगे कि ये दो चीज़ें दी और व्यक्ति इसी के अंदर रन करता है. ये पे स्केल जो दिए हुए थे ये कैसे चेंज हुआ हम आगे बता देंगे. अभी हमारे पास एक एनपीए वाला भी है जो कि मेडिकल और वेटरनरी साइंसेस के लोगों को मिलता है कि चाहे वो प्रैक्टिस ना करें, नॉन प्रैक्टिस अलाउंसेस जिसको बोलते हैं, उनका एक अलग तरीका है उसको कैसे करते हैं. ये इसमें दिया गया कि फैक्टर वही रहेगा लेकिन उनका एनपीए कैसे जोड़ते हैं वो बताएंगे अब आपको. ये दिया था नॉन प्रैक्टिस अलाउंस वालों का कैसे करेंगे, मैं भी इसको आगे अभी इसको दिखाते हैं. एक इसमें दिया था कि जो लोग डायरेक्ट रिक्रूटी हैं, जैसे मेरे बहुत से यहाँ पे मैंने पार्टिसिपेंट ऐसे जो असिस्टेंट प्रोफेसर पाए हैं, वे लोग 2016 के बाद आए हैं, उनके साथ वो सफरर हैं तो अभी बताएंगे कि क्यों हुए थे. ये मैं यहाँ पे बताऊँगा कि कैसे उनके साथ उसका डेट ऑफ इंक्रीमेंट का कैसे चेंज हुआ था, ये सब इसमें दिया हुआ है. प्रमोशन होगा कैसे इंक्रीमेंट देंगे वो भी हम बताते हैं चार्ट से. ये हम लोगों को दिया गया था टीचिंग के लिए. टीचिंग एंड इक्विवेलेंट का अर्थ है कि टीचिंग मींस असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर. इक्विवेलेंट मींस असिस्टेंट लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन एंड फिजिकल एजुकेशन पार्ट में जाएंगे तो उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन, डिप्टी डायरेक्टर, ये इसमें आते हैं. वो उनके लिए भी इसी तरह से ये जो पे मैट्रिक्स है ये उसमें लागू होगी. ठीक है, डिजिग्नेशन में कोई चेंज नहीं किया. सिक्स्थ सीपी से में डिजिग्नेशन चेंज हुआ था, लेक्चरर, रीडर और उसके बाद प्रोफेसर थे तो उन्होंने लेक्चरर को असिस्टेंट प्रोफेसर बोला, रीडर को बाद में अपग्रेड कर दिया एसोसिएट प्रोफेसर में और देन प्रोफेसर, प्रोफेसर एज इट इज रहा. ठीक है, ये नॉन टीचिंग ग्रुप ए का था. ये फिर उन्होंने CCSRP रूल, अमेंडमेंट रूल उन्होंने किया था, क्योंकि एक जो एक पे स्केल हम लोगों का नॉन टीचिंग सेक्टर में पड़ता है वो कुछ गड़बड़ हुआ था. उसमें उन्होंने 2.57 से उसका फैक्टर निकाला था जबकि उसको IOR के तहत निकालना चाहिए था, 2.67 वो नहीं निकाला, इसलिए इसको उन्होंने बाद में चेंज किया. ये वाइस चांसलर का था, फिक्स्ड सैलरी उनकी थी, अब कर दिया गया 75,000 उनको मिलता था, 5,000 उनको एंड, क्योंकि अलाउंसेस अभी चेंज नहीं हुए हैं तो जो 5,000 था वही मिलता था और इनका फैक्टर जो है वो कर दिया इन्होंने 2.81 से 75,000 को मल्टीप्लाई किया. ये कई ऐसे जो हमारे होते हैं, जैसे अभी उन्होंने हम लोगों को HRA मिलता है, जो लोग बाहर रहते हैं उनको HRA 20% के हिसाब से मिलता है, वो रिड्यूस कर दिया, 16 कर दिया गवर्नमेंट ने, अभी लागू नहीं हुआ लेकिन उसमें दिया हुआ था. PhD इंक्रीमेंट भी यहाँ ख़त्म किया है लेकिन अभी 18 को आया है रेगुलेशन, उसमें दे दिया है. नहीं 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 अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, प्लीज़ अभी नहीं हुआ.
ये देखिए, इसको देखिए आप, इसमें बता दो मैं, इसमें हमने कंपरेटिव बताया हुआ है कि पाँचवें वेतन आयोग में, छठवें वेतन आयोग में, सातवें वेतन में क्या, इससे हम जल्दी कर देंगे। पहले सबसे पहले लेक्चरर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होता था वो 8000 से 13500, यहाँ देखिए 275 का इंक्रीमेंट था। जब ये छठवें वेतन आयोग में गया तो इन्होंने उसको चेंज करके इंक्रीमेंट का रेट 3% कर दिया, और जो पे होती थी उस पे को इन लोगों ने क्या किया, 1.86 से मल्टीप्लाई करके उसका फैक्टर निकाल करके सबकी पे को वहाँ पे फिक्स कर दिया। सातवें वेतन आयोग में क्या हुआ कि IOR निकाला गया, इंडेक्स ऑफ रेशनलाइजेशन। उसका तरीका था जो ग्रुप सी मैंने दिखाया था, उसका उसका था 2.57 से मल्टीप्लाई करना था। जो बी ग्रुप था उसका 2.62 से मल्टीप्लाई करके IOR निकाला। जो ग्रुप ए था जो कि एसोसिएट प्रोफेसर से नीचे था उसका 2.67 से किया था, और प्रोफेसर का 2.72 से किया, और इनका 2.81 से वाइस चांसलर का किया। ये IOR था, इंडेक्स ऑफ रेशनलाइजेशन। दूसरा फिर जो लेक्चरर सीनियर स्केल ये सारे थे ये बदल गए हैं। ये छठवें वेतन में लेवल इसका आ गया था कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 में आया था, अब इसको डिनोट कर दिया गया है एकेडमिक लेवल से। एकेडमिक लेवल 10 to 10, 11, 12, 13, 14। अभी मैंने यहाँ दिखाया हुआ है कि 14 के बाद जो प्रोफेसर का था उसमें एक 15 भी दिखा रहे हैं। हुआ क्या था कि छठवें वेतन आयोग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्राविधान किया था कि 10% पोस्ट ऑफ द प्रोफेसर विल फॉल इन 12000 से जो इसका था 12000 AGP में, जो 10000 के बाद 12000 AGP का कंसेंट था, बाद में उसको वापस कर दिया और उसको HAG लगाया। बट दैट स्कीम कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी यूनिवर्सिटी ऑफ द इंडिया। इसमें क्या प्राविधान था, जैसे मेरे पास आज की डेट में जितने टोटल टीचिंग स्टाफ्स हैं, सैंक्शन स्ट्रेंथ इज 2005 सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जिसमें से 1205 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर 263 हैं, तो 263 का 10% 26 पोस्ट हमारी इसमें जानी चाहिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, ये एकेडमिक लेवल 15 में ये प्राविधान है, जब इम्प्लीमेंट होगा तो देखा जाएगा, ये उसमें दिया गया। आप यहाँ देख रहे होंगे कि चौथे वेतन पांचवें वेतन आयोग में सारे लोग एक तरह थे। ऊपर आप असिस्टेंट उसका लेक्चरर का देखें, उनका 8500 था। इसी तरह से नीचे आप देखेंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन, सारे लोग 8500 में थे, लेकिन छठवें वेतन आयोग में इसको लेवल और एकेडमिक लेवल दो भाग में बांट दिया गया। ठीक है, पेमेंट एंड ग्रेड पे में उसका AGP और GP में, एकेडमिक ग्रेड पे एंड ग्रेड पे। नाउ दैट एकेडमिक ग्रेड पे हैज़ बीन चेंज टू एकेडमिक लेवल एंड ग्रेड पे हैज़ बीन चेंज इन टू लेवल ओनली। तो दिस इज द सिनेरियो। अच्छा, दूसरी बात उसका था PhD वाला इंक्रीमेंट का था। PhD वाला इंक्रीमेंट में पहले आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे HRD का, उसने लिखा हुआ था 2 नवंबर 2017 को और 8 नवंबर 17 को कि PhD का इंक्रीमेंट और MPhil का क्यों नहीं देना है, उसके पीछे लॉजिक थी। लेकिन अभी रिसेंटली रेगुलेशन 2018 आ गए हैं, अब हम उस पर काम कर रहे हैं, वो आपको मिल जाएंगे क्योंकि उसमें उसने दे दिया है। ठीक है, अभी जैसे प्रमोशन का होता है आपका प्रमोशन, जिस दिन जब प्रमोशन होगा किसी व्यक्ति का प्रमोशन होता है, जैसे आप लोगों का प्रमोशन होता है, प्रमोशन में कैसे पे फिक्सेशन की जाएगी, उसके लिए कहा गया है कि अभी हमारे पास पहले तो इंक्रीमेंट डेट है। इंक्रीमेंट डेट पाँचवें वेतन आयोग में जो व्यक्ति जिस दिन ज्वाइन करता था आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ 1 ईयर उसको इंक्रीमेंट मिलता था, तो वो वेरी करता था। अगर आपने जनवरी में किया, आपने फरवरी में किया, मार्च में किया, तो उस व्यक्ति का अगले साल वो फर्स्ट डे को लग जाता था। छठवें वेतन आयोग में कि नो, इंक्रीमेंट डेट विल बी ओनली वन, यूनिवर्सल डेट हैज़ बीन फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट वाज जुलाई। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ रिकमेंडेड 2 डेट्स ऑफ इंक्रीमेंट, 1 जनवरी एंड 1 जुलाई। अब 1 जनवरी 1 जुलाई, जैसे आप लोग जो नए लोग आए होंगे उनके साथ थोड़ा दिक्कत हुई होगी कि उन लोगों का अगर किसी ने जनवरी फरवरी में किया तो वो अब जनवरी में जाएंगे क्योंकि जुलाई नहीं है। इसी तरह से जो जुलाई में होगा, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने बोला कि रूल 10 है CCSRP रूल 10 का, उसमें उन्होंने बोला कि मैं इंक्रीमेंट डेट को 2 कर रहा हूँ, तो 2 डेट कर दी। 2 डेट किसकी होगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी और डेट ऑफ प्रमोशन होगा। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाले के लिए बोला कि जो व्यक्ति
दो जनवरी से लेकर के एक जुलाई तक डेट ऑफ जिसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी उसकी पहली जनवरी होगी नेक्स्ट ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन ईयर। जो व्यक्ति 2 जुलाई से ज्वाइन करता है 2 जुलाई से और 1 जनवरी तक इंक्लूसिव ऑफ 1 जनवरी और 1 जुलाई है उसका बोला कि मैं जुलाई कर दूंगा। ये किन के लिए किया? जो लोग न्यू रिक्रूटी थे, न्यू प्रमोटी थे। रूल 13 ऑफ CCSRP रूल सेज दैट इफ अ पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड और प्रमोटेड देन हिज पे विल बी फिक्स आइदर ऑन द फर्स्ट डे, इंक्रीमेंट डेट विल बी फिक्स्ड आइदर 1 जनवरी और 1 जुलाई। तो जब ये लागू कर रहे थे हम लोगों के दिमाग में आया कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि आपको फंडामेंटल राइट्स आपके हैं, हम लोगों के प्रमोशन में और अपग्रेडेशन में FR 22 1st A1 लगता है, जिसमें ये लिखा गया है कि यदि अगर कोई पोस्ट प्रमोशन की पोस्ट है, पोस्ट इन्वॉल्व्स अजम्पशन ऑफ इसका अजम्पशन ऑफ सॉरी एक मिनट बताऊँ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर उसकी ड्यूटी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अधिक है तो और उसकी ग्रेटर इम्पोर्टेंस की है तो उस व्यक्ति को एक एडिशनल इंक्रीमेंट देंगे। तो रूल 13 बोलता है कि उसको दे दीजिए, लेकिन उसको FR 22 1st A1 से उसको वंचित कर दिया गया था। तो 27 जुलाई 2017 को फिर गवर्नमेंट ने एक OM निकाला, ऑफिस मेमोरेंडम निकाला, उसने बोला कि मैंने रूल 13 में मैंने तो ये बोला कि ये होगा, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसका हम वायलेशन नहीं करेंगे। और उसमें होता क्या है कि आप लोगों को ये दिया जाता है, एक ऑप्शन आता है एडमिनिस्ट्रेशन से कि यू हैव टू ऑप्ट टू पे टू फिक्स योर पे आइदर फ्रॉम द डेट ऑफ योर प्रमोशन और फ्रॉम द डेट ऑफ योर इंक्रीमेंट, जो आपको मतलब उचित होगा। सपोज करिए किसी व्यक्ति का प्रमोशन होता है फरवरी में, 2 फरवरी को होता है, तो उस व्यक्ति का इंक्रीमेंट जो रूल हमारा CCSRP रूल 13 बोलता है उसके अनुसार तो वो बेचारा गया वहीं पे, उसको कोई ऑप्शन नहीं मिला। अब उसके लिए ऑप्शन हो जाएगा कि वो फरवरी से ही ऑप्ट कर लेगा, तो फरवरी में उसकी सैलरी क्या होगी? जो सैलरी पा रहा था अगर वो लेवल 10 में पा रहा था तो 10 में पाते हुए या 11 में पा रहा था तो वो सैलरी पाएगा, लेकिन उसको जो सेल हैं, जो हमारे सेल दिए हुए हैं उस सेल 3% के हिसाब से वो सेल हैं, उस व्यक्ति को वो पैसा देंगे, लेकिन इंक्रीमेंट उसका पीछे वाले पे लगेगा। ये FR 22 1st A1 बोलता है और उसका इंक्रीमेंट डेट सेफ हो जाएगा।